हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह की पत्नी शालिनी ने उन पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। अब हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना बयान शेयर कर इन आरोपों को झूठा बताया है। अपने इस प्रेस नोट में रैपर ने लिखा है, मैंने आज से पहले कभी कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है क्योंकि उस वक्त सारी बातें सिर्फ मेरे बारे में हुआ करती थी। कई बार मुझे लेकर गलत मीडिया कवरेज हुई, मेरे गानों को लेकर बातें हुई, मेरी तबीयत को लेकर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार बात मेरे परिवार को लेकर हो रही है, मेरी बहन को लेकर हो रही है, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। ये सारे आरोप जो हम पर लगाए गए हैं, ये आरोप हमें बदनाम करने के लिए ही लगाए गए हैं। मैं पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देश भर के तमाम कलाकारों और संगीतकार के साथ मिलकर काम किया है। मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्तों से हर कोई वाकिफ है। इतना ही नहीं, मेरी पत्नी मेरी क्रू का भी पिछले 1 दशक से हिस्सा रही हैं। इसके साथ ही वो मेरे साथ हर इवेंट, शूटिंग, मीटिंग्स में जाती रहती हैं। इन सारे आरोपों को मैं गलत मानता हूँ। मैं अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है। मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जहां मैं पूरी तरह से सच के सामने आने का इंतजार कर रहा हूं। ऐसे समय में चाहता हूं जितने भी मेरे फैंस और चाहने वाले हैं, वो मेरे बारे में कोई भी गलत निष्कर्ष ना निकाले। मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी। हमेशा की तरह मैं अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूं, जिन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करने और अच्छा संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया। रैपर और तलवार ने 2011 में दिल्ली के एक गुरुद्वारे में शादी की थी। तलवार ने आरोप लगाया है कि हनी सिंह 2011 में दिल्ली के एक गुरुद्वारे में शादी के समय से ही अपनी आदतों को छुपाने की कोशिश करता रहा है। उन पर मादक द्रव्यों के सेवन और यहाँ तक कि एक पंजाबी फिल्म अभिनेत्री के साथ संबंध रखने का भी आरोप लगाया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हनी सिंह को 28 अगस्त को पेश होने का नोटिस जारी किया है। अपने शानदार डांस के जरिए फैंस के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री नौरा फतेही ने हाल ही में ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी में अपना खूबसूरत फोटोशूट करवाया है। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लाल बॉर्डर वाली चिकनकारी साड़ी और मरून ब्लाउज पहने नौरा इन तस्वीरों में काफी खूबसूरत लग रही हैं। अपने लुक को नौरा ने हैवी ज्वेलरी के साथ पूरा किया। इसके साथ ही बोल्ड रेड लिपस्टिक, गालों पर रोजी ब्लस्ट और माथे पर बिंदी ने नौरा के लुक में 4 चांद लगा दिए। इन तस्वीरों को नौरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। नौरा फतेही इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया के प्रमोशन में व्यस्त हैं। बिग बॉस में अपनी क्यूटनेस से सबके दिलों को जीतने वाली शहनाज गिल इन दिनों अपने ग्लैमरस लुक की वजह से सुर्खियों में रहने लगी हैं। आए दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करने वाली शहनाज ने हाल ही में अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिन्हें देख आप भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। इन तस्वीरों में शहनाज बेज आउटफिट में काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। इन तस्वीरों में शहनाज अपने शॉर्ट हेयर में नजर आ रही हैं। फैंस को भी शहनाज का यह बदला हुआ लुक काफी पसंद आ रहा है। शहनाज का यह फोटोशूट सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने किया है। इससे पहले भी डब्बू रत्नानी शहनाज का फोटोशूट कर चुके हैं। शहनाज जल्द ही दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म हौसला रख में नजर आने वाली हैं। फैंस दोनों को साथ में देख के काफी एक्साइटेड हैं। अभिनेत्री करीना कपूर खान, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, ने अब अपने दोनों बेटों जेह और तैमूर के बचपन की तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि जेह की फोटो में करीना ने उनका चेहरा छिपाया हुआ है। फोटो शेयर करते हुए करीना ने लिखा, करीना के फैंस उनके बच्चों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं।
करीना के बड़े बेटे तैमूर अली खान तो तब से ही लाइमलाइट में रहे हैं, जब से उनका जन्म हुआ है। हालांकि छोटे बेटे जेह को लेकर करीना और सैफ ने लाइमलाइट से दूर रखने का फैसला किया है, और अब जब जब करीना जेह की तस्वीर शेयर करती हैं, तो उनके चेहरे की जगह इमोजी का प्रयोग करती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाली है। फिल्म में करीना के साथ आमिर खान लीड रोल में है। करीना ने प्रेगनेंसी के दौरान ही फिल्म की शूटिंग की थी। INS रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।